हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नम्रता और आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, उसके बाद उसकी ग्रेवी बनाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जिससे आपके कोफ्ते जो हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, राउंड बनेंगे। और जो लौकी होती है उसमें बहुत पानी होता है, तो उसका पानी कैसे अच्छे से निकाला जाए ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते, थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे उसमें। और चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लौकी ले ली है और ये है करीब करीब आधा किलो लौकी, 500 ग्राम्स। और इसको अब हम पील करेंगे। लौकी को हमने छील लिया है अच्छे से और अब हम इसे ग्रेट करेंगे। अब ये जो लौकी का बीच वाला पार्ट बचा है इसे हम हटा देंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे। और वापस से जो दूसरा पार्ट है उसको भी घिस लेते हैं इसी तरह से। लौकी अब हमने यहाँ पर घिस ली है और अब हम करेंगे क्या, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से लौकी में मिक्स करेंगे और इससे एक मैजिक हो जाएगा। वो ये होगा कि जो सारा पानी है ना लौकी का वो बहुत ही ईजली और बहुत आसानी से निकलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लौकी को इस तरह से किसी छन्नी में रख देना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और जैसे ही आप इसमें नमक लगाएंगे लौकी में से पानी आराम से निकलने लगेगा। तो करीब 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि लौकी में से कितना सारा पानी निकल गया है। और जो थोड़ा सा पानी है वो हम और निकाल देते हैं दबा के, जिससे कि कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे, राउंड बनेंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी निकल गया है और लौकी अच्छी ड्राई है इस टाइम पे। अभी हम इसमें अब नमक ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे पनीर। अब हम लौकी में ऐड करेंगे थोड़ा सा पनीर। तो मेरे पास ये पनीर है, करीब 70 ग्राम्स पनीर है ये। और इसको हम धीरे धीरे इसमें इस तरह से मैश कर देंगे। इससे कोफ्ते जो लौकी के हैं ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अच्छे से हम पनीर को लौकी में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा स्वाद आता है लौकी के कोफ्ते का अगर आप उसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर दें तो। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और बेसन। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे अभी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम सबसे लास्ट में इसमें नमक डालेंगे। तो बेसन हमारा बिल्कुल ठीक है जिसके वजह से कोफ्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। पानी अच्छे से निकला हुआ होता है लौकी का तो कोफ्ते बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और कोफ्ते काफ़ी अच्छे गोल बनते हैं। यहाँ पर हम मिक्स करेंगे नमक को। आप चाहें तो इस टाइम पर यहाँ पर हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल सकते हैं ज़रूर। तो आप देखिए कितना ड्राई है और बहुत आसानी के साथ हम बिल्कुल गोल कोफ्ते बनाएंगे इससे। ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल गोल लौकी के कोफ्ते बन गए हैं। तो करीब आधा किलो लौकी में 70 ग्राम पनीर डालने के बाद हमने बनाए हैं 10 कोफ्ते, इसमें आराम से बन गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे।
तो बस इसी तरह से हम कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा गोल्डन इनको फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज और ये दो मीडियम साइज़ की प्याज है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज है तो दो बड़े साइज़ का प्याज इनफ है। 2 से 3 इंच अदरक का और 7 से 8 कली लहसुन, इसे हम मिक्सी में बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे बिना पानी के। अब यहाँ पर अनियन, गार्लिक और जिंजर पेस्ट रेडी है, इसमें हम यहाँ पर मसाले मिलाएंगे। तो ये काम आज हम इसमें साथ ही में डालेंगे प्याज के। तो यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो 1/2 चम्मच, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और नमक और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग हैं, इसको बस हल्का सा कूट लेंगे। अब यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया है जो कि 5 टेबल स्पून है, क्योंकि कोफ्ते में हमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए ऑयल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और 1 डालेंगे तेज़पत्ता, उसके साथ ये लौंग और इलायची का जो पाउडर है ये डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इसे कम तेल में बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे कम तेल में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल, जितना आप रोज़ डालते हैं सब्ज़ियों में उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज और इसको करेंगे थोड़ा सा ब्राउन। तो जो ब्राउन प्याज की खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, तो इसको थोड़ा सा ब्राउन होने दे। तो अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, प्याज को हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और अब हम इसमें ये जो हमारा मसाला है इसे डाल देते हैं और अब इसे लो से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि मसाले का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो करीब 1.5 से 2 मिनट के बाद थोड़ा सा मसाला भुन गया है, अभी पूरी तरह से नहीं भुना है। और इसमें हम ये एक छोटा सा टमाटर कटा हुआ डाल देते हैं, ये धीरे धीरे गलेगा और मिक्स हो जाएगा अच्छे से ग्रेवी में। तो अभी हम करीब 4 से 5 मिनट मसाले को भूनेंगे। पिसा हुआ प्याज है, इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसे भुनने देंगे मसाले को 4 से 5 मिनट। विंडो बंद करो। तो करीब 4 से 5 मिनट के बाद मसाला भुन गया है। और पता कैसे चलेगा मसाला भुन गया है? एक तो मसाले का कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी, दूसरा जब आप कढ़ाई में मसाले को चलाएंगे तो मसाला चिपकेगा नहीं, और चौथा मसाले का जो ऑयल है वो साइड्स पे आ जाएगा इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि मसाला भुन गया है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मसाले को धीरे से चलाएंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखेंगे, यहाँ पर कोफ्ता सोक कर लेगा ग्रेवी को, उसमें बेसन मिला हुआ है इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पे एक बॉयल लेंगे और उसके बाद इसमें कोफ्ते डालेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को करेंगे लो। तो एक हाई फ्लेम पे एक बॉयल, ग्रेवी में बॉयल आने लगा है और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक और पकने देंगे ग्रेवी को, जिससे कोफ्ते के अंदर आराम से ग्रेवी का जो मसाला है वो चला जाएगा। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे आराम से इसको 5 मिनट तक पकने दीजिए। करीब 5 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं, ग्रेवी हमारी अच्छी
पक चुकी है, ऊपर का जो पानी है वो सारा अब नहीं दिख रहा है, जो एक झाग सा आ जाता है पानी जब बॉयल होता है ग्रेवी में। और अब हम गैस को बंद करते हैं, कोफ्ते को अब हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो अभी इसी स्टेज पे बारीक कटा हरा धनिया इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो आप सर्व करते समय ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। लौकी के कोफ्ते बनके एकदम तैयार हैं और इसे बारीक कटे हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। और इसे रोटी चपाती के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी विधि से एक बार इस लौकी के कोफ्ते को ज़रूर बनाएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।